वेब दुनिया के वीडियो चैनल में इस हफ्ते हम बात करेंगे फिल्म एक्शन जैक्सन की समीक्षा की। इस हफ्ते प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित फिल्म एक्शन जैक्सन रिलीज हुई है। हिंदी फिल्मों में प्रभुदेवा का सक्सेस रेट 100% है, लेकिन एक्शन जैक्सन अभी उनकी सबसे कमजोर फिल्म साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने यह फिल्म बिना किसी तैयारी के बनाई है। प्रभुदेवा ने राउडी राठौड़, वांटेड जैसी बेहतरीन मसाला फिल्में बनाई हैं, लेकिन एक्शन जैक्सन मसाला फिल्म की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। यह एक सी ग्रेड फिल्म है जिससे प्रभुदेवा, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा जैसे ए ग्रेड के नाम जुड़े हुए हैं। फिल्म में बेहद फूहड़ बातों से मनोरंजन करने की कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी यह है कि विशि एक छोटा मोटा बदमाश है। अचानक पुलिस और इंटरनेशनल डॉन जेवियर विशि के पीछे पड़ जाते हैं। विशि को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। पूरी बात समझ आने के बाद गलतफहमी दूर करने के लिए विशि जेवियर से मिलने बैंकॉक जाता है। इस बचकानी कहानी पर निर्माताओं ने करोड़ों रुपए इसलिए लगा दिए क्योंकि उन्हें प्रभुदेवा के प्रस्तुतिकरण पर विश्वास था, लेकिन प्रभु ने इस बात पूरी तरह निराश किया। प्रभु ने सारा काम VFX और एडिटर के जिम्मे छोड़ दिया, जिन्होंने फिल्म की वाट लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिल्म में इतने कट हैं कि आंखों में दर्द होने लगता है। बात करें अभिनय की तो अजय देवगन आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। ऐसा लगा कि वे बेमन से डांस कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा तो आधी फिल्म से गायब हो जाती हैं। दर्शक भूल ही जाते हैं कि वे इस फिल्म में हैं। यामी गौतम निराश करती हैं। मनस्वी ममगई का नेगेटिव किरदार है जिसमें सेक्स अपील का स्कोप रखा गया है। आनंद राज खलनायक के रूप में कमजोर नजर आए। कुणाल रॉय कपूर ने जरूर थोड़ा बहुत हंसने का मौका दिया, लेकिन बात पूरी तरह बन नहीं पाई। फिल्म का तकनीकी पक्ष बेहद लचर है। फिल्म के गाने दर्शकों को ब्रेक देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर एक भी ऐसा कारण नहीं जिसके लिए एक्शन जैक्सन का टिकट खरीदा जाए। फिल्म की पूरी समीक्षा पढ़ने के लिए लॉगिन करें webdunia.com।